कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की तैयारियां की? कल जनता कर्फ्यू था जिसका लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया, हम लोगों को धन्यवाद कहते हैं, इतना अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया। ऐसी तरह से सरकार ने बड़ी गंभीरता पूर्वक 23, 24 और 25 मार्च को लॉकडाउन कह लीजिए या शटडाउन कह लीजिए, इसका निर्णय लिया है। और इसमें लोगों से हम यही अपील करते हैं कि वो इसको बड़ी गंभीरता से लें। जो आवश्यक वस्तु से संबंधित वाहन होते हैं, जैसे पीछे आप देख सकते हैं सिलेंडर के ट्रक हैं, सब्जियों के ट्रक हैं, दूध के ट्रक हैं, ये सब तो चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी अनावश्यक ट्रक का मूवमेंट, कोई भी अनावश्यक लोगों का मूवमेंट ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो लोग भी अनावश्यक वितरण करेंगे, सुबह से हम लोगों ने लाउड स्पीकर से लोगों को सेंसिटाइज किया, मीडिया से किया, सोशल मीडिया से किया, लेकिन अब हम इस स्टेज पर आए हैं कि हम लोगों ने व्यापक चालान शुरू कर दिए हैं और हम लोगों ने FIR दर्ज करनी शुरू कर दी है। जिस थाना क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ साहिबाबाद थाना क्षेत्र थाने पर ही 3 FIR अब तक हो चुकी हैं। तो लोगों से हम यही कह रहे हैं कि यदि कोई अनावश्यक वितरण करेगा जिससे वो स्वयं को भी खतरे में डाल रहा है और समाज को भी खतरे में डाल रहा है, तो आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश जो कल रात से जारी किए गए हैं, 23, 24, 25 मार्च के लिए कम्प्लीट शटडाउन लॉकडाउन, उसका पालन करें और सबको सुरक्षित रखें।